जात बाद में इन किसानों को बांट दो। उन्होंने जाटों का राजा बताया है महेंद्र प्रताप सिंह को। जाट जाति थे, हम भी आते हैं, हम तो हमें तो ये भी पता नहीं था महेंद्र प्रताप सिंह जाट राजा थे, फिर जातवाद में उनका जहर घोलना चाहते हैं। ये जातवाद किसान आंदोलन नहीं चलने देगा, ये सबका है देश। मेरे साथ जाएंगे तो सब जाएंगे। आज देश को यही जरूरत है जो हमारे पहले हमारे पूर्वज हमारे भाई जो आजादी के लिए कुर्बानी दी और देश को आजाद करने में जिन्होंने फांसी पर चढ़े। धर्म से उद्धार नहीं होता। कोई देश बताइए, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को, जहाँ एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं। वो तो कहते हैं इंग्लैंड में वो ईसाई रहते हैं, उन्होंने ईसाई देश बना लिया है। पंडित और जिसको हम वाल्मीकि कहते हैं हरिजन, वो एक साथ बैठे और वो वाल्मीकि के हाथ से रोटी पंडित खाए। ये हमारे देश के जो वो संसद हमने बना के भेजा, संसद में क्यों नहीं आवाज उठाई मोदी के खिलाफ? आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसे मैं लागू नहीं होने दूंगा। मैंने तो भीख मांग कर वोट मांगी थी। मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगा, जो धर्म की राजनीति करे उसका मुंह काला करिए, उसे गांवों में मत घुसने दीजिए। यह धर्म से राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति का मतलब है धर्म निरपेक्ष। में क्रांति आके रहेगी और आजाद हिंद को करके रहेंगे। ये जब जाएंगे यहाँ से, जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय हो चुकी हैं। लगातार अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। अलीगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हुए थे, वहीं योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री वहां पर एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट नेता के नाम पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं नमस्ते राम राम करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री बने, इनको तो 7 साल हो गए। इनको महेंद्र प्रताप सिंह का जो विश्वविद्यालय बनाना था तो पहली 5 वर्ष में ही बना देते। अब क्या ऐसी सूझी इनको जो महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ये विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर रहे हैं? क्यों? कि ये एक समझना चाहते हैं कि जात बाद में इन किसानों को बांट दो। उन्होंने जाटों का राजा बताया है महेंद्र प्रताप सिंह को। जाट जाति थे, हम भी आते हैं, हम तो हमें तो ये भी पता नहीं था महेंद्र प्रताप सिंह जाट राजा थे। वो क्रांतिकारी थे। वो जो क्रांतिकारी है, आज सरदार भगत सिंह को ये हमारे सरदार भाई कहने लगे कि वो हमारे थे। वो पूरे दिलों के हर तबके के थे जिन्होंने देश की क्रांति की आवाज उठाई। वो किसी एक जाति के आदमी नहीं थे। उन्होंने जातवाद को पीछे रखकर पहले देश को आगे रखा है। उन्होंने कहा धर्म भी एक पीछे की गौर है, हम मानव हैं और हम मानवता का काम करें। हम गरीबी अमीरी की दूरी मिटाकर सब एक साथ धर्म निरपेक्ष भारत बनाएं। ये सपना देखा था नेता महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों है? पर आप जाट नाम क्यों रख रहे हैं उसका? वो तो एक क्रांतिकारी थे। उनकी अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई, हम सरदार भगत सिंह से चंद्रशेखर आजाद से जातिवाद का नाम लेकर के, वो सब देश के नेत्रों के तारे थे। वो जन जन के प्यारे थे। वो आप उसे खींच कर फिर जातवाद में उनका जहर घोलना चाहते हैं। ये जातवाद किसान आंदोलन नहीं चलने देगा। ये सबका है देश। ये गरीब अमीर सबका देश है। यहाँ सब धर्मों का देश है। सबका सम्मान होना चाहिए, पर धर्म पीछे की बात है। योगी आदित्यनाथ ने अपने उस रैली में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था, अब्बा जान कहने वाले खा जाते थे। अब या योगी पे तो जहर उगला है। योगी तो अरसम है। उसे तो जातिवाद धर्मवाद का ही जहर उगलना है। उसने क्यों उगला? पहले भी राशन मिलता था, अब भी राशन मिल रहा है। आपने जो पहले मिलता होगा कितने करोड़ को मिलता था, आज आपने इतनी भुखमरी पैदा कर दी है देश में। 81 करोड़ 5-5 किलो के लेन में लग रहे हैं। क्यों हुआ ये हालात देश का, जो आपके 5 किलो नाज के लिए लेन में लगना पड़ा? आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं बनाया? आत्मनिर्भर बनना चाहिए था। आप कहते थे मैं आत्मनिर्भर भारत बना के रहूंगा, कहाँ रहा आपका आत्मनिर्भर?
उन्होंने अब्बा जान के लोगों को संबोधित किया कि अब्बा जान कहने वाले लोग खा जाते थे, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के, कांग्रेस के, अलग अलग जो सेक्युलर पार्टी के दम भरने वाले, मुसलमानों के वोट लेने वाले नेता आखिर कहाँ छुप गए थे ये बोलने के लिए कि किस अब्बा जान की बात कर रहे हो। उस वक्त असद उवैसी ने बोला कि जो ये योगी आदित्यनाथ का मेरे साथ जाएंगे तो सब जाएंगे। आज देश को यही जरूरत है जो हमारे पहले, हमारे पूर्वज, हमारे भाई जो आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और देश को आज़ाद करने में जिन्होंने फांसी पर चढ़े, आज ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म से उद्धार नहीं होता। कोई देश बताइए, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को, जहाँ एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं। वो तो कहते ही नहीं, इंग्लैंड में वो ईसाई रहते हैं, उन्होंने ईसाई देश बना लिया है, उसका नाम इंग्लैंड है, भारत है, इसका नाम भारत रहने दो। तुम सब पे गरीब को गरीब समझो, अमीर को अमीर समझो, गरीब और अमीर एक साथ बैठे, द्वेष्टता का भाव नहीं रहे। पंडित और जिसको हम वाल्मीकि कहते हैं, हरिजन, वो एक साथ बैठे और वो वाल्मीकि के हाथ से रोटी पंडित खाए। ये हमारे देश के जो शहीद हुए देश में, देश के लिए उन्होंने ये सपना देखा था। उन्होंने ये सपना नहीं देखा, एक फिर ये वही बीज बो देंगे और उसी दशा को ये ले आए, इससे देश का पतन हो जाएगा। बांटिए मत देश को। उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में क्या इस किसान आंदोलन की कैसी भूमिका, देखिए किसे आप समर्थन करने जा रहे हैं? देखिए भैया रे सुन, किसान किसी को समर्थन नहीं करता। किसान देश बचाने की पहले लड़ाई लड़ रहा है। अभी चुनाव का बहुत दिन है, चुनाव तो सब आप समझ जाएगी, सबका दिमाग सेट हो जाएगा। जब तक धर्म की राजनीति से नहीं हटेंगे, मैं तो एक बात कहता हूँ, ये हमारे यहाँ से भी सांसद हुए, आज उन्नाव के सांसद हैं, उनका ये नाम मैं भूल रहा हूँ, साक्षी जी महाराज, जब मथुरा से सांसद थे और उसके बाद उन्होंने जब कितने जिले बदल दिए, आज उन्नाव में मैंने भी टीवी पर देखा, जब वो उन्नाव में गए थे तो उन्होंने कहा, जब कोई महात्मा किसी के दरवाजे पर आता है और उस दरवाजे वाला उसका भीख नहीं देता तो वो पाप छोड़ जाता है उसके घर। मैं आपके यहाँ वोटों की भीख मांगने आया हूँ और भाई जो तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको श्राप लगेगा। उस महात्मा ने ये कहा, वो संसद हमने बना के भेजा, संसद में क्यों नहीं आवाज उठाई मोदी के खिलाफ? आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसे मैं लागू नहीं होने दूंगा। मैंने तो भीख मांग कर वोट मांगी थी, मैंने तो देश के किसानों से सबसे भीख मांग कर ये कहा था, एक नहीं दोगे तो मैं। और अब ये किसान जो आज 10 महीने होने जा रहे हैं, इनकी उसको नेक भी परवाह नहीं है, एक मैं ये कह के आया था, एक भाई मैं शराब दे दूं। 2013 में वही मुजफ्फरनगर के अंदर जाट और मुसलमान के बीच जो संघर्ष छिड़ा हुआ था, उसमें काफी दंगा फसाद हुआ, कई लोग मारे गए। 2013 की उसी मुजफ्फरनगर की जो सरजमी थी वो राजनीति का केंद्र बन गया था। 2014 में मोदी जी को आपने सत्ता की कुर्सी सौंप दी थी। अब 2020 में, 2021 में मुजफ्फरनगर ही महापंचायत हुई, वहाँ पर हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या फिर से मुजफ्फरनगर राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है क्या? देखिए, मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगा, जो धर्म की राजनीति करे उसका मुंह काला करिए, उसे गांवों में मत घुसने दीजिए। यह धर्म से राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति का मतलब है धर्म निरपेक्ष। धर्म हमारा एक आस्था का विषय है। कोई चाहे हमारे गांव में हो, हमारे शहर में हो, 5 घर भी हो, किसी धर्म के उनको भी दुखी मत करिए, उनको पीड़ा मत करिए, ये हमारा मानवता का फर्ज है। इस धर्म से आप कहाँ ले जाओगे देश को, कहाँ बांटोगे देश को? हम तो ये कह रहे हैं, उनकी भूख को देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए। आज चौनी पर ऐसा हो रहा है, चारने के ऊपर ऐसी दशा हो गई है, मांस मार देती है, क्यों मर रहा है? भूख इतनी है देश में, जन कितनी भुखमरी है, और यह भुखमरी नहीं मिटेगी, आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा, इसे बनाएगा कौन? देश के नेताओं को तो देख लिया, जो आज़ादी लाए वो किसान मजदूर और उन्हीं के बच्चे थे जो आज़ादी लाए। आज भी ये आज़ादी देश में क्रांति आके रहेगी और आज़ाद हिंद को करके रहेंगे। ये जब जाएंगे यहाँ से,
जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे।